हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए रूमी फैमिली ब्लॉग को और बेल आइकन दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये छोले मैं वाइट वाले चने से बनाऊँगी, तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने 3 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, तो इसे धोकर कट कर लिया है, और 3 बड़ा साइज का अनियन, इसे भी धोकर कट कर लिया है। तो अभी प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और एक छोटी पतीली में 1 गिलास पानी रख देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से खौलाएंगे। बिल्कुल कड़क चाय बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा हिला देंगे ताकि अच्छी तरह से चाय खौल जाए। तो देखिए, मैंने कड़क चाय बनाकर तैयार कर लिया है और इसे एक साइड रख लिया है। अब कुकर चढ़ाएंगे और कुकर को गर्म होने के बाद इसमें 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप जो भी तेल खाते हैं आप वो तेल यूज़ कर सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैंने 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गरम होने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 काली इलायची और 4 लौंग से बघार लगाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, रात भर मैंने वाइट वाले छोले भिगो कर रखे थे और 4 आलू छील कर रख लिए हैं। तो देखिए, बघार लगाएंगे जीरा, काली इलायची और लौंग से। तो देखिए, तड़क गया है। अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे। तो जो मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। तो सारा पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद बाकी के मसाले ऐड करते जाएंगे। वन टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट से भी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। तो तकरीबन मसाले को मैंने 10 से 12 मिनट तक भूना है और सबसे लास्ट में 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पर आमचूर पाउडर या अनारदाना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आमचूर पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टमाटर से बना रही हूँ। तो देखिए, हमारा मसाला भूनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे स्टेज पर आलू ऐड करेंगे। तो देखिए, मसाला 10 से 12 मिनट भूनने के बाद मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। अब आलू को ऐड करने के बाद आलू के साथ थोड़ी देर मसाला भूनेंगे, उसके बाद छोले ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चलाकर मिक्स करेंगे। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे।
बेकिंग सोडा से छोले अच्छी तरह से गल जाता है। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। और जो मैंने कड़क चाय बनाकर रखा था वो चाय ऐड कर देंगे। चाय ऐड करने से छोले का कलर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल रेड कलर, जैसे आप होटलों या ढाबा में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे छोले बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने चाय ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 बाउल पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस छोले और आलू को डूबने तक ही पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे। नमक बाद में चखेंगे, जब गल जाएगा, अगर नमक कम होगा तो हम फिर से ऐड कर लेंगे। तो देखिए मैं अच्छी तरह से चला कर मिक्स कर ली हूँ। अब इसे स्टेज पर ढक्कन लगाकर 7 से 8 सीटी आने तक पका लेंगे। तो देखिए 7 से 8 सीटी आ गया है। तो अब खोल कर देखते हैं हमारा छोले गल कर तैयार हुआ है या नहीं। तो देखिए इसका कितना बढ़िया सा कलर आया है, बिल्कुल रेड कलर। तो इस तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे और जो आलू है इसे थोड़ा दबा कर फोड़ लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें हरा हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्च को मैंने बीस से चीरा लगाकर कट कर लिया है और हरा धनिया ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त बारीक स्लाइस में कटा हुआ जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सभी मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारे छोले कितने मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे छोले की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए आपको ताकि सबसे पहले मिले, मेरी आने वाली आपसे हर एक मेरी नई एक वीडियो भी का वीडियो मिना नोटिफिकेशन होने आपको पाए, सबसे पहले मैं मिले, मेरी जैसी एक वीडियो भी वीडियो अपलोड आपसे करूं मिस ना होने नोटिफिकेशन पाए। सबसे पहले आप तक पहुंचे।